भगवान श्री राम और माता सीता अपने राजमहल में सेवकों को वस्त्र रत्न आदि बांट रहे थे, तब मंथरा को वहां नहीं पाते हैं। मंथरा कहां है? सब लोग आए परंतु वो क्यों नहीं आई? तब सभी चौंक जाते हैं, वो तो कभी अपने कद से बाहर नहीं आती। 14 बरस से प्रायश्चित की ज्वाला में जल रही है बेचारी। आओ सीते, आओ लक्ष्मण। और फिर श्री राम मंथरा के कक्ष तक पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते हैं। माई, मंथरा माई, कौन है? कौन बुला रहा है मुझे? क्यों बुला रहा है? हम तुमसे मिलने आए हैं माई। राम, राजा राम। महाराज आप आ गए। महाराज मुझे दंड देने आए हो, मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए। 14 साल से इंतजार कर रही हूं कि मुझे दंड दो। महाराज मुझे दंड दो, मैं सबसे कह रही हूं मुझे दंड दो। अब दंड दीजिए, मैं अपराधी हूं। मैं 14 साल से कह रही हूं मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। किसी ने नहीं दिया, आप दंड दो महाराज, मैं आपकी अपराधी हूं। मुझे दंड दो महाराज, मुझे दंड दो। ये तुम क्या कर रही हो माई? माई मंथरा, तुम तो हमारी माता के समान हो, हम वही तुम्हारे गोद में खेलने वाले बालक हैं मां। चलो, तुम्हारा स्थान राजभवन में पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित है। चलो देखो तुम्हें लेने कौन आया है। सीता को देखकर मंथरा को अपने पुराने कटु व्यवहार की याद आ जाती है और उनके कानों में उनके ही कटु वचन गूंजने लगते हैं। आओ बहुरानी, मैं सिखाती हूँ, मैं पहनाती हूँ। हाँ चल आ, ये वस्त्र तुम्हें बहुत पसंद है ना, मैं पहनाती हूँ। उतार दे ये वस्त्र, उतार दिया हुसन, चल निकाल। नहीं नहीं, ऐसे क्या देख रही हो देवी, इन्हें आशीर्वाद दो। आशीर्वाद? नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं अपराधिनी हूं, मैं आपके ठोकरों में पड़ने के योग्य भी नहीं हूं। मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए देवी। लक्ष्मण तुम ही मुझे दंड दो, तुम ही मुझे दंड दो। उस दिन शत्रुघ्न के हाथ से भरत ने मुझे क्यों बचाया? दंड दो लखन जी, तुम दंड दो। माई, महाराज राम, महारानी सीता तुम्हें अपने साथ आदर पूर्वक ले जाने आए हैं। ऐसे नहीं लक्ष्मण, मंथरा माई को पहले प्रणाम करो। सीते, देवी के चरण छुओ, ये तुम्हारी सास के समान है। नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं। नहीं सीता, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूं, अपराधिनी हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं सीता, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं सीता। पश्चाताप करते करते 14 साल बीत गए, 14 साल बीत गए, 14 साल बीत गए। राम जी, राम।